नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके सोशल स्पार्क चैनल पे। और दोस्तों आज मैं आपको भारत के कुछ बहुत ही खतरनाक रेल हादसों की जानकारी दूंगा। 6 जून 1981 को बिहार में तूफान के कारण एक ट्रेन कोसी नदी में जा गिरी। दुर्घटना में 800 यात्री मारे गए जबकि 1000 से ज्यादा घायल हुए थे। 16 अप्रैल 1990 को पटना के निकट ही एक ट्रेन में आग लग गई जिसमें 70 की मौत हो गई। 20 अगस्त 1995 को नई दिल्ली से जा रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस से फिरोजाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में टकरा गई। दुर्घटना में 250 की मौत हो गई जबकि लगभग 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 3 अगस्त 1999 को दिल्ली जा रही ब्रह्मपुत्र मेल गैसल यानी पश्चिम बंगाल में अवध आसाम एक्सप्रेस से टकरा गई जिसमें 285 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 312 यात्री घायल हो गए। 2 दिसंबर 2000 को कोलकाता से अमृतसर जा रही हावड़ा मेल दिल्ली जा रही एक मालगाड़ी से टकरा गई। दुर्घटना में 44 की मौत हो गई जबकि 144 लोग घायल हो गए। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपके सामने भी कोई ऐसा रेल हादसा हुआ है जिसकी यादें आज तक आपके दिमाग में छाई हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 12 मई 2002 को नई दिल्ली से पटना जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, 12 लोगों की मौत हो गई। 9 सितंबर 2002 को हावड़ा से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, 150 लोगों की मौत हो गई जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 12 मई 2002 को नई दिल्ली से पटना जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पटरी से उतर गई, 12 लोगों की मौत हो गई। 20 नवंबर 2016 को नई दिल्ली से पटना जा रही इंदौर पटना एक्सप्रेस कानपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, करीब 121 यात्रियों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा घायल हो गए। दोस्तों यह एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए आप अपने परिचितों और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा जिससे हमारे जो भी वीडियो आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि आपको जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करता हूँ वो मिलता रहे।